हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाओ आईएएस। नाउ वी शैल सी अ डेली एमसीक्यूज फॉर 10th of July। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, साप्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। साप्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको याद हो तो ये हमने करेंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, चाइना ने साप्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, विच इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान, और चाइना ने इस पर क्लेम किया है कि ये चाइनीज़ टेरिटरी है। ओके, नाउ दो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच ये साप्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। सबसे पहला है त्राशीगांग डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है समद्रूप जोंखा डिस्ट्रिक्ट। ओके, भूटान में है ये, ईस्टर्न पार्ट में भूटान के ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, और इन दोनों में पड़ती है हमारी साप्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड दिस ऑल्सो फीचर्स इन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को इंक्लूजन। यूनेस्को साइट के लिए भी दिस इज़ इन द टेंटेटिव लिस्ट। तो आंसर हमारा डी, भूटान। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन, स्टार टॉर्टोइस। सेकेंड इज मॉनिटर लिजर्ड। थर्ड इज पिग्मी हॉग। एंड फोर्थ इज स्पाइडर मंकी। विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है न्यूज़ का वो ये है कि पिग्मी हॉग, जो कि हिमालय की जो सदर्न फुटहिल्स होती थी उसमें पाया जाता था, सदर्न फुटहिल्स, अब ये केवल एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, विच इज़ द मानस नेशनल पार्क इन असम। अब आपको यहीं देखने को मिलेगा, पहले ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था ऑल ओवर द सदर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, बट नाउ दिस इज़ ओनली फाउंड इन द मानस नेशनल पार्क ऑफ असम। सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड पिग्मी हॉग। ओके, इट्स द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग। ओके, नाउ दीज आर ऑल्सो द इंडिकेटर्स ऑफ द मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट्स। इनका जो हैबिटेट है दैट इज़ ग्रासलैंड्स, तो ग्रासलैंड्स हैबिटेट का मैनेजमेंट कैसा है उसको बताने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उसके लिए एक इंडिकेटर है। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा ग्रासलैंड्स का, डिग्रेडेड कंडीशन में होगी, स्ट्रेस कंडीशन में होंगे ग्रासलैंड्स, तो ये वहाँ नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो जहाँ भी ये पाए जाते हैं मतलब वहाँ का ग्रासलैंड अच्छा है। ओके, इन 1996 में कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू हुआ था असम में, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, और 2009 में सोनई रूपई एरिया में भी इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया। इन 2009 दे वर रीइंट्रोड्यूस इन द सोनई रूपई एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सदर्न फुटहिल्स में पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, नाउ दे आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द मानस नेशनल पार्क ऑफ असम। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें नेचुरली पाए जाते हैं। तो स्टार टॉर्टोइस पाया जाता है, मॉनिटर लिजर्ड भी पाया जाती है, पिग्मी हॉग भी पाया जाता है। जो स्पाइडर मंकी है दैट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी तीनों सही हैं। आंसर है हमारा A, 1, 2, and 3। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी। तो इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ए बुद्ध मयूरी, बी तमिल योमन, सी ब्लू मॉर्मोन, और डी गोल्डन बर्डविंग। तो हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया गया, इनफैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कवर किया हुआ है, तो आपको ये इजी होना चाहिए बताने के लिए। द आंसर इज़ डी गोल्डन बर्डविंग। नाउ गोल्डन बर्डविंग मेल जो इनका काउंटर पार्ट है वो छोटे होते हैं, उनका विंग स्पैन मेजर करता है 106 मिलीमीटर। ओके, बट जो फीमेल हैं, फीमेल उनका जो विंग स्पैन है डैट इज़ 194 मिलीमीटर, और अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसके पहले जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई थी वो थी सदर्न बर्ड विंग। ओके, और इसका जो विंग स्पैन था दैट इज़ 190 मिलीमीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि बुद्ध मयूरी ये केरला की स्टेट बटरफ्लाई है। ओके, इट इज़ द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला स्टेट। तमिल योमन ये तमिलनाडु की स्टेट बटरफ्लाई है। एंड ब्लू मॉर्मन इट इज़ द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट दैट इज काट्सा इज एम्ड अगेंस्ट वन ईरान टू रशिया
3 नॉर्थ कोरिया और 4 वियतनाम। आपको बताना है कि इनमें से किस किस पे काटसा लगता है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा ये है कि इंडिया ने हाल ही में एग्रीमेंट किया है S-400 ट्रायम्फ के लिए रशिया से, ओके, और मिग के लिए भी इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रशिया से, तो उसके लिए हम पे काटसा इम्पोज किया जा सकता है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। ओके, नाउ काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट, ये लगाया जाता है 3 कंट्रीज़ के अगेंस्ट, ये डायरेक्टेड है। फर्स्ट इज़ ईरान, सेकेंड इज़ रशिया एंड थर्ड इज़ नॉर्थ कोरिया। इन तीनों के अगेंस्ट ये डायरेक्टेड है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी, फिर क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट्स, अगर आप क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं ईरान के साथ तो भी काटसा इन्वोक किया जा सकता है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर इनके इन तीन कंट्रीज़ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका इंटरेक्शन है। फोर्थ इज़ करप्शन, फिफ्थ इज़ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, सिक्स्थ इज़ इवेजन ऑफ सेंक्शन, सेवन्थ इज़ ट्रांजेक्शन्स विथ रशियन डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर। तो यही जो हमारा S-400 ट्रायम्फ का जो केस है वो इसी कैटेगरी में आता है। नाउ द एट्थ इज़ एक्सपोर्ट पाइपलाइंस, नाइन्थ इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एसेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड टेंथ इज़ आर्म्स ट्रांसफर्स टू सीरिया। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो काटसा एक लगाया जा सकता है। तो ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कावासाकी डिसीज। स्टेटमेंट 1, इट ओनली अफेक्ट्स प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। एंड स्टेटमेंट 2, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेस्क्यूलाइटिस वेयर ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड थ्रू आउट द बॉडी। इन्फ्लेम मतलब उनमें दर्द होने लगता है, सूज जाती हैं। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ का ये है कि COVID-19 पेंडेमिक में जो चिल्ड्रन हैं, अगर उनको कोविड हो रहा है चिल्ड्रन को, तो कावासाकी डिसीज़ के सिम्टम्स उनमें देखने को मिले हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ कावासाकी डिसीज़ जो होती है दैट हैपन्स इन चिल्ड्रन विच आर अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया इनकरेक्ट। प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में नहीं होता है। जो कॉज है कावासाकी डिसीज़ का, दैट इज़ अननोन। तो द अननोन कॉज। ओके, और इसमें पूरी बॉडी की आपकी जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सूज जाती हैं और उनमें काफ़ी दर्द होता है। नाउ सिम्टम्स और भी हैं इसके, क्या क्या हैं वो, रेड आइज, रैशेज, सॉलन टंग विथ रेड एंड लिप्स, इसको हम स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं, एंड इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल सिस्टम ऑल ओवर द बॉडी। देयर इज़ कॉन्स्टेंट हाई फीवर भी इसमें रहता है, हाई फीवर। ओके, सो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वस्क्यूलाइटिस वेयर ब्लड वेसल्स बिकम इन्फ्लेम्ड थ्रू आउट द बॉडी। आंसर है हमारा बी, 2 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेटमेंट 2, इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर टैक्सिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। एंड स्टेटमेंट 3, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज आर लाइबल फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। नाउ ये भी हमने करंट अफेयर्स मॉड्यूल में हमारे कवर किया हुआ है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स मॉड्यूल को फॉलो किया है तो दिस शुड बी ईजी। नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सो नो, इट इज़ अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। अब ये लगता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पे, ओके, जो कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो सकती है और कोई भी डिजिटल एडवर्टीजिंग स्पेस और फैसिलिटी सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे ये लगता है। अब इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि द पेमेंट शुड बी मेड टू अ नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर, जो यहाँ पे ना हो, नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर लाइक गूगल, जो यहाँ पे रेसिडेंट नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर। और दूसरा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका, दैट मस्ट क्रॉस 1 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर। ओके, 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस करना चाहिए आपका जो ट्रांजेक्शन है, और दूसरा नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर को आपको ट्रांजेक्ट करना है, तो इन दोनों केसेस पे ये अप्लाई होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर टैक्सिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शंस। एंड स्टेटमेंट 3, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर लायबल फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। आंसर हमारा बी, 2 एंड 3। पहला स्टेटमेंट गलत है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है ना कि इनडायरेक्ट टैक्स है। सो इसी के साथ हमारे आज के MCQs खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। वील मीट टुमारो। थैंक यू गाइज।